गाइस, क्या आपको पता है कि टिकटॉक ने अपना खुद का एक स्मार्टफोन ब्रांड जो है लॉन्च कर दिया है। गाइस, उसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, बट टिकटॉक ने अपना खुद का स्मार्टफोन जो है लॉन्च कर दिया है चाइना में। और आज हम इस वीडियो में इस स्मार्टफोन के बारे में पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर एक टिकटॉकर हो या फिर आप अगर एक फोटोग्राफर हो तो आपके लिए ये स्मार्टफोन जो है कैसा रहेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिएगा। हाय गाइस, दिस इज विभास एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मसअप। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें टिकटॉक की ओन ब्रांड यानी बायट डांस की, तो उसने ही लॉन्च करने का फैसला किया था टिकटॉक का एक स्मार्टफोन को, और उसने फाइनली लॉन्च कर दिया है चाइना में इस फोन को। और इस फोन का नाम रखा गया है, बड़ा ही अजीब सा चाइनीज मार्केट के हिसाब से एक नाम रखा गया है, जिसका नाम है स्मार्ट ईशान ज़ियोंगा प्रो 3। और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इन्होंने अपना खुद का एक OS डेवलप किया है जिसको बोलते हैं ज़ियोंगा OS 7। और इस OS में आपको तरह तरह के मल्टीटास्किंग और हैवी टास्किंग करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस OS को वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट और सिक्योर कहते हैं। अगर हम इस फ़ोन की स्क्रीन साइज़ की बात करें तो यहाँ पे हमको 6.39 इंचेस का एक एमुलेट बड़ा स्क्रीन देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको 8GB और 12GB का रैम वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे हमको UFS 3.0 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जो कि होगा 128GB और 256GB वेरियंट में, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो गाइस, ये एक टिकटॉक से रिलेटेड स्मार्टफोन है, तो इसमें आपको कैमरे में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा तगड़ा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पीछे में आपको क्वैड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप बड़े बड़े तरीके से आराम से अपना टिकटॉक वीडियो को शूट कर सकते हो। इसका जो मेन कैमरा होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 सेंसर के साथ में, और उसके साथ में आपको मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आप बड़े आराम से तरह तरह के काम कर सकते हो। और इसमें आपको और एक 5 मेगापिक्सल का एक क्या बोलते हैं उसको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आप ब्लर इफेक्ट को वीडियो में या फिर फोटो में बड़े ही आराम से ले सकते हो। और इसमें स्वाइप अप और स्वाइप डाउन यानी जेस्चर के हिसाब से बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें कि आप अपने टिकटॉक से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्टेंट को अच्छी तरीके से एडिट वगैरह और शूट वगैरह कर सकते हो। तो आप अगर एक टिकटॉकर हो तो आपके लिए ये स्मार्टफोन जो है बेस्ट हो सकता है। गाइस, अभी अगर हम बात करें इस ज़ियोंगा प्रो 3 स्मार्टफोन की प्राइस की, तो यहाँ पे चाइना में इसको लॉन्च कर दिया गया है 29,000 रुपये में, और इसका जो टॉप वेरिएंट है वो है 35,000 रुपये का। यानी आप अगर 8/128GB को लेते हो तो ये आपको पड़ेगा 29,000 रुपये में। तो गाइस, 29,000 रुपये में काफ़ी बढ़िया एक डील हो सकता है, बट ये एक नया ब्रांड है तो इसको इंडिया में लेना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं होगा। तो गाइस, आप अगर एक टिकटॉकर हो तो आप वेट कीजिए और इस फ़ोन को इंडिया में आने दीजिए, उसके बाद में आप बड़े आराम से रिव्यू वगैरह देख के इस फोन को जो है ले लीजिएगा। और इस फोन में आपको कैमरा से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स तो देखने को मिल जाएंगे, बट इसका जो OS है और इसका जो बॉडी है वो आने के बाद में ही पता चलेगा कि कितना ड्यूरेबल है इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो आप थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए, उसके बाद में आप इस फोन को लेने के बारे में सोचिएगा। बस ये लॉन्च हुआ है चाइना में, तो ये काफी बढ़िया एक बात है, और इसमें आपको बहुत सारे कैमरा के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप अगर एक टिकटॉकर हो तो आपके लिए फोन बेस्ट हो सकता है। तो गाइस, वीडियो पसंद तो प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी टेक रिलेटेड प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।